आजम सर आदम जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में मौजूद हैं। तो आज हम यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की है और अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल हेड मास्टर वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के हवाले से और यहाँ पे जो आज इवेंट हुआ है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। ये इदारा जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं इसे हम सराजम जी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। में चार से पांच इदारे हैं जिन सब का काम तालीम से मुताल्लिक है। आज का हमारा मौजूद माहौल बहुत बड़ा मसला हमने अपने हाथों से पैदा किया है। हम चीज़ों को जला रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, आबी गुजरगाह है उसमें कचरा फेंक रहे हैं, पॉल्यूशन फेंक रहे हैं। शायद वो दिन दूर नहीं कि अगर हमारी हरकतें रहीं तो पीने का पानी नहीं होगा। वो जो बात कहते हैं कि आने वाली जंगें पानी पर होंगी, तो शायद उस जंगों में सबसे पहले हम ही शिकार होंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहली चीज़ जो हमारा मज़हब कहता है कि पानी मत ज़ाया करो। जो हुक्म है कि तुम अगर दरिया पे भी बैठे हो तो वजू करते हुए कम से कम पानी इस्तेमाल करो। कागज़ ज़ाया ना करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचें, घरों की सफाई रखें, बाहर दरख्त लगाएं, लोगों को कहें कि दरख्त लगाएं, छोटे छोटे से दरख्त लगाने की जरूरत है। अपने घरों में प्लास्टिक की बॉटल्स काट के दरख्त लगाइए, थोड़ा सा पानी डलता है, ड्रिप इरीगेशन कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 2005-2015 जाके ज़्यादा दिन नहीं हुए। जब सरकारी आदत में शुमार तो कई हज़ार कहते हैं, तो असल में अल्लाह मालूम कितने लोग इस शहर में लुकमे अजल बन गए सिर्फ हमारी अपनी हरकत की वजह से। उसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम छोटे छोटे बच्चों छोटी सी उम्र से, हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6.6 है पानी बचाने का, हम छोटे छोटे बच्चों को बताना शुरू करें। उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता दिन बदलेंगे। मुझे ये बताएं कि आज आपके इंस्टीट्यूट में हमने वेटलैंड डे के का इवेंट मुनक्किद किया था, तो इसमें मतलब लोगों का ज़्यादा बिगाड़ है क्योंकि पानी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो सर आप मुझे ये बताएं कि इसको हम किस तरह इस बिगाड़ को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि 2025 आने वाला 2025 में सुना है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिगाड़ जितने भी हैं वो इंसान खुद लेकर आया है। इंसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, पानी ज़ाया करता है, आबी गुजरगाहों को गंदा करता है। उसके बाद हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करना शुरू की, तो बचने का तरीका यह है कि हम चीज़ों को हम ज़्यादा ना करें, चाहे पानी ख़त्म ना हो, पानी कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम कर ये रहे कि हम टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं चीज़ों को जलाने की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो एक तो साहिल ऊँचे होंगे, समंदर ऊँचे होंगे, तो जितने भी साहिली शहर हैं जिसमें हमारा शहर कराची भी है, उनके डूबने का खर्चा होगा। टेम्परेचर बैलेंस आउट होगा तो मौसम, अब हम देख रहे हैं कि उससे दो तीन साल से कराची में मौसम तब्दील हो रहा है और शदीद होता चला जा रहा है। रिजा जो हम ज़ाया करते हैं उसको ज़ाया ना करें, तकसीम करें। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अगले 10 साल में चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी।